नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल देवभूमि करियर पॉइंट में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, चलिए उसी तैयारी में थोड़ा हेल्प करते हैं आपकी, और आज का चैप्टर जानेंगे हम उत्तराखंड की समस्त मिट्टियों के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा फ्रेंड्स। जो भी अपकमिंग एग्जाम्स होंगे, यूके पीसीएस हो, चाहे यूके ट्रिपल एससी हो, या अन्य कोई भी उत्तराखंड का एग्जाम हो फ्रेंड्स, ठीक है, यहाँ पे हम जानेंगे आज उत्तराखंड की मिट्टी के बारे में सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इसमें हम बेसिकली जानेंगे पर्वतीय मृदा और मैदानी मृदा के बारे में। फ्रेंड्स, आपको पता है उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ पर संयुक्त रूप से पर्वतीय क्षेत्र और मैदानी क्षेत्र पाया जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक हो जाता है उस लिहाज से, तो आपको जानना जरूरी है। देखिए, भारत की मैं बात करूं, भारत में मिट्टी को मुख्यतः 8 भागों में बांटा गया है फ्रेंड्स, ठीक है, लेकिन उसमें से कुछ ही मिट्टी की मात्रा उत्तराखंड में पाई जाती है, और उत्तराखंड पर्वतीय होने के कारण यहाँ पे अलग टाइप की मृदा का ज़्यादा समावेश है फ्रेंड्स, ठीक है। जब ये चैप्टर मैं शुरू करूँगा और मैं आपको बताऊँगा, तब आपके समझ में अच्छे से आएगा और आप जान पाएंगे अपने उत्तराखंड की मिट्टी के बारे में, ठीक है। और उसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैंने इंक्लूड किए हैं इस वीडियो के अंत में, जो कि काफ़ी काम आएंगे आपके लिए आगामी परीक्षाओं में फ्रेंड्स, ठीक है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा फ्रेंड्स, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं उत्तराखंड की। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू होते समय बताया कि उत्तराखंड एक पर्वतीय राज्य है बेसिकली, लेकिन मैदानी भाग भी कहीं ना कहीं इसमें इंक्लूड है फ्रेंड्स, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूं फ्रेंड्स, उत्तराखंड की जो पर्वतीय भाग की मिट्टी है उसको हम वर्गीकरण के आधार पर 5 भागों में बांट सकते हैं। 5 प्रकार मैंने यहाँ पे बताए हैं आपको, अब वो कौन कौन से हैं हम जानेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूँ पर्वतीय छिछली मिट्टी, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप इज पर्वतीय छिछली मिट्टी। तो पर्वतीय छिछली मिट्टी पाई जाती है फ्रेंड्स हिमानी ग्लेशियर क्षेत्रों में, मेनली ये हाइल्टी वाले एरियाज में पाई जाती है मिट्टी फ्रेंड्स, जहाँ पे वर्ष भर बर्फ पड़ी रहती है और बड़े बड़े ग्लेशियर पाए जाते हैं फ्रेंड्स, वहाँ पे होती है पर्वतीय छिछली मृदा, ठीक है। इस वाली मिट्टी में वनस्पति का बिल्कुल अभाव पाया जाता है, ठीक है, बिल्कुल वनस्पति नहीं होती इसमें, ठीक है। नेक्स्ट जो टाइप है फ्रेंड्स, एल्पाइन या चरागाह मिट्टी, ठीक है। तो एल्पाइन चरागाह मिट्टी से आप बिल्कुल समझ गए होंगे, उत्तराखंड में बुग्यालों को ही बोला जाता है एल्पाइन, ठीक है। तो बुग्याल जहाँ पे स्थित है, बड़े बड़े घास के मैदान, जहाँ पे गर्मियों में चरवाहे अपने जानवरों को चराने के लिए ले जाते हैं जिन बुग्यालों में, वहाँ पे पाई जाती है एल्पाइन मिट्टी, ठीक है। और इस मिट्टी को पाश्चर्स मिट्टी भी बोला जाता है फ्रेंड्स। क्वेश्चन बन सकता है कि राज्य की किस मिट्टी को पाश्चर मृदा बोला जाता है, तो वो है एल्पाइन मिट्टी को, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला जो टाइप है फ्रेंड्स वो है उप पर्वतीय मिट्टी, ठीक है। तो उप पर्वतीय मिट्टी के बारे में जानेंगे अब। देखिए, उप पर्वतीय मिट्टी का जो क्षेत्र है कहाँ पे है, तो फ्रेंड्स देखा होगा आपने, कभी भी उत्तराखंड में आपने ट्रैवल किया होगा कुछ हाइल्टी एरियाओं में, जैसे मैं बात करूँ मसूरी, नैनीताल, मुंसियारी और पौल का खिरसू एरिया, जो भी टूरिस्ट स्पॉट है हाइल्टी एरिया में, वहाँ पे देवदार या स्प्रूस के वनों की अधिकता है, ठीक है। देवदार स्प्रूस के वन जिस क्षेत्र में अधिक होते हैं फ्रेंड्स, वहाँ पर पाई जाती है उप पर्वतीय मिट्टी। और इस मिट्टी की खास बात है फ्रेंड्स, इस मिट्टी में जीवांश की अधिकता होती है, ठीक है, जीवांश। और दूसरी बात, इस मिट्टी में आर्द्रता की भी अधिकता पाई जाती है, कहने का मतलब नमी भी ज़्यादा होती है इस मिट्टी में, ठीक है। और इसी वजह से इस वाली मिट्टी में ज़्यादातर वृक्ष पाए जाते हैं देवदार और स्प्रूस के, ठीक है। नेक्स्ट जो है टाइप फ्रेंड्स वो है भूरी लाल पीली मिट्टी। तो भूरी लाल पीली मिट्टी अमूमन हम सभी को देखने को मिलती है मध्य हिमालय के चीड़युक्त वन क्षेत्रों में। तो फ्रेंड्स, अगर आप गांव से हैं या आप शहर से हैं तो नहीं जान पाएंगे, लेकिन जो लोग गांव से हैं उत्तराखंड में वो जानते हैं, हमारे जो ग्रामीण एरिया हैं उससे ऊपर के कुछ हाइल्टी एरियाज में, जहाँ पे मध्य हिमालय के चीड़ वन में बोल रहा हूँ, चीड़ के वनों की अधिकता जिस क्षेत्र में रहती है वहाँ पे मिलती है भूरी लाल या पीली मिट्टी, ठीक है। और सर्वाधिक चीड़ क्षेत्र फैले रहते हैं इस टाइप की मिट्टी में, और कृषि के लिहाज से देखा जाए तो ये मिट्टी बिल्कुल अनुपयुक्त होती है, ठीक है फ्रेंड्स। और जो लास्ट मिट्टी की मैं बात करूँ फ्रेंड्स, बिल्कुल ढाल की, देखिए ऊपर से नीचे की क्रम में आई मिट्टियाँ, ठीक है, ऊपर हाइल्टी ग्लेशियर से लेकर पहाड़ की ढाल तक, ठीक है। तो टर्शियरी मिट्टी का जो क्षेत्र पाया जाता है फ्रेंड्स, पांचवी प्रकार की मिट्टियां ये पाई जाती है, शिवालिक पहाड़ियों में पाई जाती है फ्रेंड्स, ठीक है।
शिवालिक पहाड़ियाँ जो कि दून घाटी से ऊपर को और अन्य पर्वतीय क्षेत्रों में भी जहाँ पर भाबर एरिया शुरू होने वाला होता है उससे आगे की जो पहाड़ियाँ होती है वो कहलाते हैं शिवालिक। कुल मिला के आप समझ लीजिए जैसे पर्वतपदीय नगर हैं, जैसे मैं बात करूँ कोटद्वार, टनकपुर या हल्द्वानी की, ठीक है, काठगोदाम की, वहाँ पे से पहाड़ शुरू हो जाते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, तो वही पहाड़ कहलाते हैं शिवालिक। तो उन ढालों में, उन घाटियों में वहाँ पे पाई जाती है टर्सियरी मिट्टी, ठीक है, तो ये होती है बलुई और छिद्रमयी मिट्टी, ठीक है, काफ़ी नमी एब्जॉर्बेशन की इसमें कैपेसिटी होती है और ज़्यादातर पाई जाती है मिट्टी शिवालिक पहाड़ियों में, ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप समझ पाएंगे। तो पर्वतीय भागों की मिट्टी को हमने बांटा 5 प्रकार में, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लीजिए फ्रेंड्स, ठीक है, जैसे हम जो गाँव में यूज करते हैं वर्ड्स अपनी भूमि के लिए, उन चीज़ों से रिलेटेड हैं ये वर्ड्स। जैसे मैं बात करूँ मानव आवास के समीप की भूमि क्या कहलाती है गांव में, तो इसको बोला जाता है घर या, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है गांव की मध्यवर्ती भूमि, ठीक है, तो गांव के आसपास की जो मध्यवर्ती भूमि है वो कहलाती है पिचल्या, ठीक है, उत्तराखंड में, ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और तीसरा जो है वनों से लगी हुई भूमि, तो वनों से लगी हुई भूमि जहाँ पर हम चारा वगैरह उगाते हैं पशुओं के लिए या चारा सेल्फ उग जाता है और उसमें खेती नहीं की जाती लेकिन वनों से लगी हुई वो भूमि होती है वो कहलाती है बुंगिया या मांग, ठीक है, ध्यान रखेंगे, बुंगिया या मांग कहलाती है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है फ्रेंड्स, आई होप आपकी समझ में आया होगा। अब बात करूँ फ्रेंड्स मैं मैदानी क्षेत्रों की, ठीक है, पर्वतीय क्षेत्रों की मृदा आपने जानी 5 प्रकार की और मैदानी क्षेत्रों की मृदा लगभग 3 प्रकार की है, तो कौन कौन सी है वो जानेंगे फ्रेंड्स। तो सबसे पहले मैं बात करूँ फ्रेंड्स तराई मिट्टी की, ठीक है, तो तराई मिट्टी पाई जाती है फ्रेंड्स राज्य के दक्षिणी क्षेत्रों में। दक्षिणी क्षेत्र कहने का मतलब देहरादून के दक्षिणी क्षेत्र, हरिद्वार का दक्षिणी एरिया, उधम सिंह नगर का एरिया, नैनीताल जनपद का दक्षिणी छोर, ठीक है, ये कहलाता है राज्य का दक्षिणी छोर। और यहीं पे मैदानी भाग भी हैं जहाँ पर सर्वाधिक खेती की जाती है, ठीक है, और इसी एरिया में पाई जाती है फ्रेंड्स तराई मिट्टी। तो तराई मिट्टी की जो खूबी है वो है फ्रेंड्स महीन कण निक्षेप होते हैं और ये काफ़ी उपजाऊ होती है फ्रेंड्स, ठीक है, गन्ना, धान, गेहूँ, किसी भी फसल के लिए ये काफ़ी उपजाऊ मिलता है फ्रेंड्स, ठीक है, तो ये पाई जाती है राज्य के दक्षिणी क्षेत्रों में। दूसरा जो टाइप है फ्रेंड्स मैदानी मिट्टी का वो है भाबर मिट्टी, ठीक है, तो भाबर कौन सा एरिया, तो फ्रेंड्स थोड़ा समझेंगे इसको, देखिए मैं आपको समझाना चाहूँगा एक बार अच्छे से हम जब समझेंगे तब टॉपिक समझ में आता है फ्रेंड्स। ये पर्वतीय क्षेत्र था मैंने आपको बता दिया, ठीक है, पर्वतीय क्षेत्रों की मृदा आपने जान ली। अब मैं मान लूँ यहाँ पे से मैदान शुरू हो गया, ठीक है, तो मैदान का जो पहला हिस्सा आता है दैट इज कॉल्ड भाबर, जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, भाबर इसको बोला जाता है। और इसके बाद का जो एरिया आता है ये कहलाता है तराई, ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है। पहाड़ खत्म होते या शिवालिक श्रृंखलाओं के खत्म होते ही जो एरिया आता है वो कहलाता है भाबर, और भाबर क्षेत्र के बाद जो अगला मैदानी एरिया आता है वो कहलाता है तराई, ठीक है, आप समझ पाए होंगे। तो अब भाबर मिट्टी की देख लेते हैं, भाबर मिट्टी की मैं बात करूँ फ्रेंड्स तराई से ऊपर, जैसा कि मैंने आपको बोला, और शिवालिक श्रृंखला के जस्ट दक्षिण में, ठीक है, ये कहलाता है भाबर। और इस मिट्टी की विशेषता है फ्रेंड्स मोटे कण निक्षेप, ठीक है, बलुई, कंकड़, पत्थर आदि इसमें आए रहते हैं भाबर मिट्टी में। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मिट्टी कौन लाता है, देखिए अगर मैदानी क्षेत्रों की मैं बात करूँ या उत्तर के मैदान की मैं अगर बात करूँ तो किससे निर्मित है वो, गंगा से निर्मित है बोलते हैं ना हम, तो मिट्टी लाई जाती है मेनली किसके द्वारा, नदी के द्वारा। तो भाबर क्षेत्रों में नदी का जो वेग होता है थोड़ा कम हो जाता है और मोटे निक्षेप वहीं पे छूट जाते हैं। फिर जैसे नदी आगे को बढ़ती है तराई क्षेत्रों में या मैदान की तरफ, उत्तर का विशाल मैदान है, और नदी की गति कम होती है और महीन कण निक्षेप मिट्टी नदी छोड़ना शुरू कर देती है। और उस टाइप की मिट्टी को हम दो भागों में बांटते हैं, बांगर और खादर। बांगर जहाँ पे पुरानी मिट्टी है नदी द्वारा लाई गई, और खादर जहाँ पे बिल्कुल प्योर मिट्टी है, नई मिट्टी है नदी द्वारा लाई हुई फ्रेंड्स, ठीक है, तो आए हो आप समझ पाएंगे। तो भाबर मिट्टी का एरिया है फ्रेंड्स तराई से ऊपर और शिवालिक श्रृंखला के दक्षिण में, मोटे कण निक्षेप इसमें पाए जाते हैं, कृषि के लिए बिल्कुल अनुपयुक्त मिट्टी है भाबर मिट्टी, ठीक है। और मैं बात करूँ तीसरे टाइप की जो मिट्टी पाई जाती है ये शिवालिक के निचले ढालों में पाई जाती है, खासकर दून क्षेत्रों में भी पाई जाती है फ्रेंड्स, ठीक है। और दोमट मिट्टी आप सभी को पता है ये तो मेजरली भारत की भी मिट्टी है। इस मिट्टी की विशेषता है महीन एवं चिकने कण, ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप समझ पाएंगे। तो पर्वतीय क्षेत्रों की मिट्टी को बांटा हमने 5 प्रकार में और मैदानी क्षेत्रों की मिट्टी को बांटा 3 प्रकार में, ठीक है फ्रेंड्स, बस इतना ही है उत्तराखंड में मिट्टी वाला टॉपिक, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं जो पॉइंट मैंने आपके लिए बनाए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए काफ़ी शब्द चलित हैं उत्तराखंड में भूमि को लेकर, जैसे पहला पॉइंट मैं इसमें बोलूं आपको, जल स्रोतों या अन्य स्रोतों से सिंचित जो भूमि होती है उत्तराखंड में वो कहलाती है तलाऊ भूमि, ठीक है, तलाऊ या तर भूमि बोलते हैं जिसको, जिसमें खेती होती है, उपजाऊ होती है,
और जिसको हम किसी माध्यम से उसकी सिंचाई कर सकते हैं, ठीक है, या अन्य स्रोतों से कहने का मतलब हो सकता है वहाँ पे कोई नेचुरल सोर्स हो और उस नेचुरल सोर्स से वहाँ की मिट्टी हमेशा गीली रहती हो, ठीक है, ऐसी भूमि कहलाती है तलाव। नेक्स्ट है देखिए गैर सिंचित या कम उपजाऊ भूमि, तो गैर सिंचित या कम उपजाऊ भूमि को बोला जाता है फ्रेंड्स उपराऊ या बांजर, ठीक है, ध्यान रखेंगे उपराऊ या बांजर, बाजी भी बोलते हैं इसको, बिल्कुल इसमें कम उपजाऊ होती है और खेती भी कम की जाती है, ठीक है। और तीसरे टाइप की भूमि जो कि मैंने अभी आपको बताया बुमिया या मांग बताया था वही भूमि है ये, इसको बोला जाता है इजरान, जंगल से लगी पथरीली ढलाव व निकृष्ट भूमि कहलाती है इजरान या इजर, ठीक है, ध्यान रखेंगे ये बिल्कुल भी काम की भूमि नहीं होती खेती के लिए, ठीक है। अब पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि परीक्षा में आ सकते हैं, जैसे पहला है इसमें राज्य की मिट्टी में चूना व फास्फोरस की कमी होती है लेकिन जीवांश की अधिकता है, ठीक है फ्रेंड्स, तो राज्य की मिट्टी में किसकी कमी है चूना व फास्फोरस और अधिकता किसकी है जीवांश की, जीवांश को आप ले सकते हैं ह्यूमस से, ठीक है, ह्यूमस जैसे केंचुआ बनाते हैं ना ह्यूमस, मतलब जैविक चीज़ें जो मिट्टी में जरूरी है, ठीक है, काफ़ी चीज़ें होती हैं उसमें, ठीक है। और दूसरा है देखिए भीमताल क्षेत्र में ज्वालामुखी एवं क्वार्टज मृदा पाई जाती है, तो क्वेश्चन बन सकता है क्वार्टज एवं ज्वालामुखी मृदा कौन से क्षेत्र में ज़्यादा पाई जाती है, तो ये पाई जाती है भीमताल नैनीताल जनपद में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है भाबर क्षेत्रों की मृदा कंकड़ पत्थरों तथा मोटे बालुओं से युक्त होती है, तो भाबर की मिट्टी मैंने आपको बता दिया कैसी होती है कंकड़ पत्थरों और मोटे बालू निक्षेपों से युक्त होती है। और चौथा पॉइंट है गन्ने व धान की सर्वाधिक उपज तराई मिट्टी में होती है, ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने आपको बता दिया क्वेश्चन बन सकता है किस मिट्टी में गन्ना व धान सर्वाधिक होता है, तो ये होता है तराई मिट्टी में, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ फैक्ट, ठीक है। अब मैं बात करूं फ्रेंड्स जो नेक्स्ट इसका वीडियो आएगा फ्रेंड्स, इसमें हम जानेंगे कृषि एवं पशुपालन से संबंधित चीज़ें और साथ साथ मैं आपको उत्तराखंड में जितने भी भूमि बंदोबस्त हुए हैं उनके बारे में बताऊंगा, ठीक है फ्रेंड्स। वीडियो आपको कैसा लगा फ्रेंड्स प्लीज़ कमेंट करके बताएं, लाइक करके बताएं और अच्छा लगा होगा तो शेयर करना ना भूलें फ्रेंड्स, ठीक है। और बने रहिए चैनल के साथ ऐसे ही फ्रेंड्स, नए नए टॉपिक और नए नए अच्छे अच्छे वीडियोज आपके लिए हम लाते रहेंगे, ठीक है। चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद, अच्छे से अपनी पढ़ाई कीजिए, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय देवभूमि।